नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। देखिए, एनटीपीसी की परीक्षाओं को लेकर के हम लोग संजीदा हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी संजीदा होंगे, और अगर नहीं हैं तो हो जाइए। ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इस सीमित समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग आपको करना है। और आज हम लोग बात करेंगे आपसे मेंसुरेशन के बारे में। देखिए, मेंसुरेशन को आज शुरू भी करेंगे और समाप्त भी करेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन का एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन क्या है प्यारे बच्चों? मेंसुरेशन, इसको हम लोग कहते हैं ठोस ज्यामिति। मेंसुरेशन को क्या कहते हैं? ठोस ज्यामिति या सॉलिड ज्योमेट्री। इसी को प्यारे बच्चों क्षेत्रमिति कह के भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे मेंसुरेशन या ठोस ज्यामिति के बारे में। और ध्यान से समझिएगा, मेंसुरेशन में हमें कौन कौन से सॉलिड पढ़ने हैं, कौन कौन से ठोस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ाई करनी है। तो उन ठोसों का नाम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है घन। घन ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक होता है घनाभ। घनाभ ऐसा होता है, और ये होता है बेलन, और एक होता है प्यारे बच्चों प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म ऐसा होता है, और एक होता है शंकु। शंकु ऐसा होता है, और एक होता है पिरामिड। पिरामिड ऐसा होता है, और इसके अलावा एक और ठोस पढ़ना है, वो है गोला या स्फेयर। ठीक है, तो ये कुल सात ठोस हैं जिनके बारे में हमको पढ़ाई करनी है। ठीक, शुरुआत कहाँ से करें? घन से। घन को आप लोग कहते हैं क्यूब। क्या होता है प्यारे बच्चों क्यूब? लूडो खेलना आपको आता होगा। लूडो में प्यारे बच्चों जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है। पासा कैसा होता है? घन के आकार का। देखिए, मान लिया जाए ये आपके पास घन है, और घन में आप जानते हैं कुल कितनी कोरें होती हैं। घन में कोरों की संख्या होती है 12। कोर को कहते हैं एस। कोर को क्या कहते हैं? एस। एस मतलब ये वाली एस, ये एस है, इधर एस है, इधर एस है। ठीक है, और फलकों की संख्या कितनी होती है? फेसेस। कुल 6 फलके होती हैं। देखिए, ये फलक है, ये फलक है, ये भी फलक है। कुल 6 फलके होती हैं, और वर्टिसेस कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 8। कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो 12 कोरे, 6 फलके और 8 शीर्ष पाए जाते हैं। ये घन होता है। इसकी सभी फलकें वर्गाकार होती हैं प्यारे बच्चों। और अगर मान लिया जाए कि यह भुजा ए है, तो प्रत्येक भुजा ए होगी। और अगर प्रत्येक भुजा ए है प्यारे बच्चों, तो इसका आयतन क्या होता है? इस बात को समझिए। आयतन बराबर हो जाएगा ए, और ए का गुणा कर दीजिए कितनी बार? 3 बार। तो ए गुणे ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अगर मान लीजिए कि इसको सेंटीमीटर में नापते हैं आप, तो ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर 3 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा। और अगर आप मीटर में नापते हैं तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? ए क्यूब मीटर क्यूबिक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि घन का सरफेस एरिया हम कैसे ज्ञात करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए? घन में हमने बताया कि कुल 6 फलके होती हैं, और प्रत्येक फलक
एक वर्ग है, तो अगर प्रत्येक फलक एक वर्ग है प्यारे बच्चों, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और निकाल करके क्या करेंगे हम लोग, बड़े गौर से देखिए, ये है ए, यहाँ पे है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह के कुल कितने फलके हैं, छः, तो छः से गुणा कर दीजिए, ये कहलाता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, घन का टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर। अगली बात पे ध्यान देते हैं, हमको पढ़ना है अब घन के विकर्ण के बारे में। घन का विकर्ण कैसा होता है प्यारे बच्चों, देखिए इस बात को, मान लिया जाए कि ये घन है और इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल कैसा होता है, इसके ऊपर से इसके नीचे चले आइए, ठीक है, मतलब ये दो विपरीत शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है उसको विकर्ण कहते हैं प्यारे बच्चों। इस विकर्ण को हम कैसे समझेंगे, इस बात को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब इस डायग्राम को समझिए, इस डायग्राम में आपको मैं ग्रीन कलर की सहायता समझाता हूँ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं हरे रंग की लाइन, ठीक है, ये डायगोनल है और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो समकोण होगा, ठीक है, नीचे बेस में क्या है, एक वर्ग है, उस वर्ग का जो विकर्ण है वो आधार बनता है और इस घन की जो एक कोर है वो लंब कहलाती है, और ये जो हरे रंग से खींचा गया है ये क्या है, विकर्ण है। तो इस विकर्ण का मान कैसे ज्ञात करिएगा, यह ए है प्यारे बच्चों, यहाँ भी ए है, ये समकोण होगा, अगर ये समकोण होगा तो ये हो जाएगा ए करणी में दो, ठीक है, और अगर ये ए करणी में दो हो गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए है तो ये कितना हो जाएगा, व्यवधान पाइथागोरस का प्रमेय आपको बताया था मैंने, और ए बी अगर मान लीजिए इस विकर्ण का नाम है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए का स्क्वायर और ए करणी में दो का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ए करणी में दो का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर और बराबर हो जाएगा ए करणी में 3, अर्थात घन का जो विकर्ण होता है वो ए करणी में 3 सेंटीमीटर या मीटर जैसा मात्रक होगा, ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। तो घन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज, घन के बारे में हम लोगों ने ये सीखा प्यारे बच्चों कि घन का आयतन कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, और घन में कितनी कोरें होती हैं, घन में कितने सरफेस होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं। इनको एक बार फिर से आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, घन का आयतन होता है ए क्यूब, घन का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर और घन का डायगोनल होता है ए करणी में 3। ये तीन बातें हैं प्यारे बच्चों, इन तीनों बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे घनाभ के बारे में, देखिए घनाभ क्या होता है, घनाभ का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्यूबॉयड, माचिस की डिबिया आपने देखी है, किताबें अपनी देखते हैं, जिस कमरे में आप बैठे होते हैं वो कमरा आप देखते हैं, सब घनाभ के उदाहरण हैं, ईंट घनाभ का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए सपोज करिए ये घनाभ है, अगर ये घनाभ है प्यारे बच्चों, तो इस घनाभ के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो L है मान लीजिए, चौड़ाई इसकी B है और जो हाइट है इसकी वो H है, ऐसा मान लिया जाए, तो इसका आयतन कितना होगा प्यारे बच्चों, आयतन बराबर, इसका आयतन हो जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा कर दें तो जो आएगा प्यारे बच्चों उसको कहेंगे हम लोग आयतन, ठीक है, सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर में है तो मीटर क्यूबिक इसका मात्रक हो जाएगा। अब दूसरी बात हमको सीखनी है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा,
तो घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों, कुल छह फलकें होती हैं। और आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर की फलक है वो एक आयत है, आयत की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एल बी। और इसी के जैसा एक आयत नीचे भी मिलेगा तो उसको जोड़ लें तो 2LB हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर L है प्यारे बच्चों तो यहाँ भी L होगा, और ये H है तो LH क्या हो जाएगा, इस वाले सतह का क्षेत्रफल, और ऐसा ही सतह उधर मिलेगी, तो कुल कितना हो जाएगा ये 2LH। अब प्लस इधर देखिए, ये B है और ये H है, इस वाली सतह का क्षेत्रफल कितना होगा BH, ऐसा ही उधर होगा, तो कुल कितना हो जाएगा 2BH। इनमें से दो कॉमन ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या मिलेगा हमको LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या है प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्लियर। अब बात करते हैं हम डायगोनल के बारे में, डायगोनल को बड़े आराम से समझिएगा, ठीक है। एक नया डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि घनाभ का विकर्ण कैसा होता है। देखिए, घनाभ का विकर्ण ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि आपके पास एक घनाभ तैयार हो गया। अब इस घनाभ का विकर्ण हमको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। मान लीजिए कि ये बेस लाइन है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसको हमने डॉटेड लाइन से प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, बात को आगे बढ़ाइए। तो अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों, इस घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये L है, ये B है और ये H है, ठीक। ये वाली लाइन क्या होगी, आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी प्यारे बच्चों, वो होगी करणी में, इसको आप समझिएगा B, या ये क्या लिखा मैंने B। अब देखिएगा, यहाँ से चलकर के यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो ये जो लाइन आपको मिलने वाली है प्यारे बच्चों, ये लाइन क्या मिलेगी, ये L है और ये B है, तो ये करणी के भीतर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, और ये कोण समकोण होगा, ये कोण क्या होगा 90, और ये H है, तो जो आपको विकर्ण मिलने वाला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली लाइन, ये डायगोनल है, और इस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, प्लस एच स्क्वायर और कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा डायगोनल। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल, ठीक है। घनाभ के तीनों फार्मूले एक साथ फिर से लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए। देखिए, घनाभ में क्या होता है, आयतन, सरफेस एरिया और डायगोनल, कैसे याद करेंगे आप लोग। आयतन बराबर होता है एल बी एच, सरफेस एरिया बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। और डायगोनल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तीन बातें हैं आपको याद रखनी हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। अब हम बात करेंगे बेलन के बारे में। देखिए, बेलन कैसा होता है, जो आपके कमरे में ट्यूब लाइट जलती है वो क्या है, बेलन का उदाहरण है, ठीक है। और पाइप जितनी होती हैं वो बेलन का उदाहरण है, जो आपके हाथ में कलम है वो बेलन का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो बेलन ऐसा होता है प्यारे बच्चों, बेलन के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब हम किसी आयत को उसकी किसी एक भुजा के परितः, मान लीजिए ये वाली भुजा है, ठीक है, जब हम किसी आयत को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः रोटेट करा दें,
तो हमें जो ठोस मिलता है उसे कहते हैं सिलेंडर या बेलन। बेलन की परिभाषा क्या होगी? बेलन आयत को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने से उत्पादित होने वाला ठोस है। तो जिसके परितः घुमाते हैं वो बेलन की ऊंचाई कहलाएगा और जो दूसरी वाली भुजा है वो बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। तो बेलन का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों, आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या है? एच। ठीक है, ये कहलाता है बेलन का आयतन। ठीक है, अगली बात पे ध्यान दीजिए, बेलन का सरफेस एरिया। बेलन में दो प्रकार के सरफेस एरिया होंगे प्यारे बच्चों। एक तो होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है प्यारे बच्चों वो क्या होगा? 2πRh। 2πR क्या है इसकी? ये परिधि है। h क्या है? ऊंचाई है। तो जो आधार का परिमाप है उसमें अगर आप ऊंचाई से गुणा कर दें तो आपको कर्व्ड सरफेस मिल जाएगा। अगर आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा कि ऊपर जो वृत्त है और नीचे जो वृत्त है उनके क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए। 2πRh में 2πR² को जोड़ दीजिए। कुछ कॉमन ले सकते हैं ऐसे, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 2πR ब्रैकेट में h प्लस आर। तो आपने कितनी बातें सीखी? आपने सीख लिया आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आपने सीख लिया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। आपने सीखा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है प्यारे बच्चों? 2πR ब्रैकेट में h प्लस आर। ये तीन बातें आपने आज सीखी किसके बारे में? बेलन या सिलेंडर के बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रिज्म के बारे में। देखिए प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म एक ऐसा ठोस है प्यारे बच्चों जिसका आधार और शीर्ष कोई पॉलीगन होता है, कोई बहुभुज होता है। ठीक है, और बाकी के जो पार्श्व होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने एक वर्ग बनाया ऐसे, ठीक है, और ऐसे आए, ऐसे आए, फिर ऐसे आ गए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों ये प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का एक डायग्राम हम और बना दे रहे हैं। ये भी प्रिज्म है प्यारे बच्चों। और कैसा प्रिज्म है ये? ये ऐसा प्रिज्म है ठीक है। इस प्रिज्म की क्या खूबी है कि इसका जो टॉप है और इसका जो बेस है वो क्या है? ट्रायंगल। अब बाकी जो तीन तरफ की दीवारें हैं वो क्या हैं? आयत हैं। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए प्रिज्म का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। प्रिज्म का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इस बात को याद रखिएगा। प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है? आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा प्रिज्म का आयतन। अगली बात क्या ध्यान देनी है आपको प्यारे बच्चों? प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ। पार्श्वपृष्ठ मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, कौन सा सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया। ये जो लैटरल सरफेस एरिया देख रहे हैं पार्श्वपृष्ठ, ये कैसे होता है? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का जो परिमाप है उसे ऊंचाई से गुणा कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा? पार्श्वपृष्ठ मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, टोटल सरफेस एरिया, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? जो आपके पास पार्श्वपृष्ठ है
उसमें दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में हमारी दो बातें हो गई आपसे, एक आयतन और दूसरा सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों शंकु के बारे में। शंकु कैसा होता है आप लोग शंकु के बारे में जानते हैं? बचपन में आप लोगों ने लट्टू खेला होगा, देखा होगा, लट्टू नचाए होंगे आप लोगों ने। लट्टू कैसा होता है प्यारे बच्चों? देखिए लट्टू इस प्रकार की एक ठोस आकृति होती है, ठीक है, और यहाँ से नीचे तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है शंकु। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन। कोन आप ऐसे भी बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये कोन है आपके लिए। और आइसक्रीम का कोन आप लोग जानते हैं, वो भी कोन का एक अच्छा उदाहरण है। आपका जब जन्मदिन होता है तो आप लोग एक टोपी लगाते हैं, वो टोपी क्या होती है? कोनिकल शेप में होती है। और अगर सब्जियों की दुनिया में चलें तो गाजर कोन का एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोन का, हमको निकालना है आयतन। और क्या निकालना है प्यारे बच्चों कोन का हमको? आयतन के अलावा कोन का हमको निकालना है सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया निकालना है? ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए कि ये शंकु है, तो इस शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट ये किया जाता है। कोन का क्या निकाला? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। और आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। यहाँ पे पाई क्या है? 22/7। आर क्या है इसका? रेडियस। और एल क्या है? ये वाली हाइट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई या लैटरल हाइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करिएगा? पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दीजिएगा। पाई आर एल में क्या करिएगा? पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों पिरामिड के बारे में। पिरामिड आप लोग जानते होंगे, मिस्र में गीजा नाम की जगह है, वहाँ गीजा के पिरामिड होते हैं ना, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। देखिए पिरामिड कैसा होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि यह एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का आधार या तो वर्ग होगा, आयत होगा, त्रिभुज होगा, कोई बहुभुज होगा, ठीक है। और बाकी की जो दीवारें हैं वो क्या होंगी? समद्विबाहु त्रिभुज होंगी, आइसोसेलीज ट्रायंगल। तो पिरामिड का आयतन कैसे हम ज्ञात करेंगे? पिरामिड का आयतन बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। और पिरामिड का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? लैटरल सरफेस एरिया 1/2 आधार का परिमाप, 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई जानते हैं आप लोग कौन सी है प्यारे बच्चों? मैं बता देता हूँ, तिरछी ऊंचाई का मतलब यहाँ पे ये है, आप लाल रंग से जो लाइन खींच रहा हूँ उसको देखिए, ये है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। या इधर से आएंगे तो ये तिरछी ऊंचाई कहलाएगी, इधर आएंगे तो ये तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। अर्थात जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है उस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, उसको हम कहेंगे तिरछी ऊंचाई। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आधार का क्षेत्रफल और इसमें
जोड़ सकते हैं आप। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अब हम बात करेंगे गोले के बारे में। गोला कैसा होता है प्यारे बच्चों? गोला अर्थात स्फेयर। देखिए, कभी कभी हम लोग गलती से ऐसा कह देते हैं कि ये गोला है। गोला और वृत्त दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। वृत्त क्या है? द्विभिमीय आकृति है या टू डायमेंशनल फिगर है। और स्फेयर क्या है? ये 3D है, अर्थात थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो गोले को अगर कागज़ पे आप प्रकट करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रकट करेंगे? देखिए, ये 3 लाइनें और खींच दीजिएगा तो आपका ये संकेत है, ये सिंबल है कि ये ठोस है, ये गोला है। तो गोले के उदाहरण आप लोग जानते होंगे। जो गेंद आपके पास होती है क्रिकेट की, वो क्या है? गोला का उदाहरण है। टेनिस की जो गेंद है, वो गोला का उदाहरण है। कई बार नींबू बिल्कुल उदाहरण होता है गोला का। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे गोले के आयतन के बारे में और गोले का सरफेस एरिया के बारे में। तो गोले का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? 4/3 πr³, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr². गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। और इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², ठीक। आयतन का जो मात्रक होता है cm³ या m³, उसको रखिएगा। और सरफेस एरिया का मात्रक क्या होता है? cm² या m², ठीक है। बात को आगे बढ़ाया जाए। अब हम एक ठोस और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और वो ठोस क्या है प्यारे बच्चों? वो ठोस है ये हेमिस्फेयर, इसको कहेंगे अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होता है? अगर आप नींबू को बीचों बीच काट के 2 बराबर टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा अर्धगोला का एक उदाहरण होता है। देखिए, इसमें ये वाली जो बात है, ये रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है, ठीक। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो पूरे आयतन का आधा होता है। पूरा आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। तो आधा आयतन कितना होगा? 2/3 πr³। और अगर बात करें हम लोग सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया इसमें होता है प्यारे बच्चों 3πr². ये 3πr² कहाँ से मिला हमको? 2πr² तो ये जो वक्र सरफेस एरिया है, और πr² इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये प्लेन है πr², इसको 2πr² में जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3πr². क्लियर हो रही बातें? एक बात और कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, वो होता है सेक्शन ऑफ स्फेयर। सेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? मान लिया जाए कि ये नींबू आप खरीद के ले आए हैं और आपको काटने के लिए दिया गया, तो आप बीचों बीच से नहीं काट के ऊपर से ऐसे काट देते हैं। तो जब आप काटेंगे तो काटने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको एक वृत्त नज़र आएगा, और ये वृत्त क्या होगा? इसी को कहते हैं सेक्शन या परिच्छेद, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेक्शन या परिच्छेद। तो ये परिच्छेद क्या होता है प्यारे बच्चों, या सेक्शन क्या होता है? एक वृत्त होता है, और जो पूरे स्फेयर का सेंटर है वो सपोज करिए यहाँ पे है, यहाँ से एक लंब ऐसे डाल दीजिए और ये लाइन क्या होगी? त्रिज्या, ठीक है। ये दूरी हो जाएगी एक्स, ठीक। और इस त्रिज्या को हम लोग कहेंगे आर डैश। किस त्रिज्या को? ये वाली जो त्रिज्या है यहाँ पे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, जिसमें आर क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर डैश का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये परिच्छेद में कई बार पूछा जाता है कि एक परिच्छेद वृत्त को 2 अलग अलग हिस्सों में काटता है, केंद्र से उस परिच्छेद की दूरी बताइए, या ये दूरी अगर दी रहेगी तो ये त्रिज्या पूछ ली जाएगी। इस फॉर्मूले पे भी सवाल बनते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ठोस ज्यामिति में आज इतना ही, बाकी बातें कल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।